साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ करें यूट्यूब चैनल पे। साथियों आज हम देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की धमाकेदार स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, खासकर बुजुर्गों के लिए। उसको क्या होता है, बुजुर्गों को अपने जो पूरे जीवन भर की पूंजी है उसके ऊपर अच्छा हर महीने उसको पेंशन मिले या फिर ब्याज मिले तो आराम से वो अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। उस टाइम में क्या 60 के अप हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट शेयर बाज़ार वगैरह में नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि रिस्की होता है, और उसमें आराम से पेंशन मिले ऐसी एक स्कीम निकाली है पोस्ट ऑफिस ने। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा है। ये सब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पे पैसा आपको कहाँ लगाना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम के बारे में बात करें तो काफ़ी धमाकेदार स्कीम है। इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो दूसरी जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है FD फिक्स वगैरह इसकी कंपेरिजन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा हाई रहता है, और इसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सीधे आपके अकाउंट में आएगा। अभी देखते हैं ये अकाउंट कौन कौन ओपन करवा सकता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप सिंगल भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो और जॉइंट भी करवा सकते हो। इसमें मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट करना है आपको, मिनिमम आप 1000 रुपये कर सकते हो और मैक्सिमम आप 15 लाख तक इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये तो बात हो गई इन्वेस्टमेंट, अभी बात करते हैं इसके टेनर के बारे में। दोस्तों इसका टेनर है 5 साल का, आपने पैसा डाला तो 5 साल तक इसमें आपको रखना पड़ेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में। अभी बात करते हैं कौन कौन खुलवा सकते हैं। इसमें एज लिमिट है सीनियर सिटीजन, भारत में 60 साल में लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं तो ये लोग खुलवा सकते हैं। और कोई कोई केस मानो के कोई सरकारी नौकरी वगैरह करता है, अर्ली रिटायर होता है बहुत सारी नौकरी में 58 साल पे रिटायर होते हैं तो वो यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। वो लोग यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अपना जो पैसा PF का वगैरह का आया है वो यहाँ पर खुलवा सकते हैं। ये तो हो गए दोस्तों डिपॉजिट के बारे में बात। अभी बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, आपको इसमें अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड देना पड़ेगा। अभी इसकी बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में अभी जो भी चल रहा है उसकी कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है। इसका अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बात हो गई। इसके लिए आपका जो इंटरेस्ट होगा वो सीधे आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा, आपका पोस्ट का जो बचत खाता है हर 3 महीने में आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। अभी दोस्तों बात करते हैं आप कितना पैसा डालोगे तो कितना रुपये आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आप इन्वेस्ट करते हो 15 लाख रुपये, 8% हमारा रिटर्न है इसके ऊपर, तो हर क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने आपके बचत खाते में आ जाएगा 30,000 रुपये का पेंशन। आप समझ लीजिए 30,000 रुपये सीधा आपके खाते में आ गए। फिर मानो के 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करते हो, 8% यहाँ पे रिटर्न है, तो आपके हर 3 महीने आपके खाते में आएगा 20,000 रुपया। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप करोगे, 8% रिटर्न है यहाँ पर, तो हर 3 महीने आपके खाते पे आने वाला है 10,000 रुपया। ये तो बात हो गई हर 3 महीने आपके खाते में पैसा आ जाएगा। दोस्तों ये तो बात हो गई इंटरेस्ट खाते में आने की। अभी क्या करना है, ये इंटरेस्ट जो हर 3 महीने खाते पे आता है तो उसमें हमको ये पैसे का रिकरिंग डिपॉजिट कर देना है। रिकरिंग डिपॉजिट की भी पोस्ट में अच्छी स्कीम है, उसके अंदर आप 10,000 रुपये का रिकरिंग डिपॉजिट करवा लीजिए जो भी इंटरेस्ट आता है। वो 5 साल के बाद वो 6 लाख रुपये आपका जमा हो जाएगा और उसके सामने 1 लाख तक आपको ब्याज मिलेगा, यानी कि 7 लाख रुपया वो हो जाएगा और 15 लाख आपका ये टोटल मिला के 22 लाख रुपया तक आपको मिलेगा 5 साल बाद, अगर आप 15 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो। और अगर आपको पेंशन चाहिए हर महीने हर क्वार्टरली तो आपको यहाँ पर पैसे भी आपके सेविंग अकाउंट में आ जाते हैं, आप अपनी तरीके से डिसीजन ले सकते हो। तो साथियों आज ही आप पोस्ट ऑफिस विजिट कीजिए, बहुत ही अच्छा इसका स्कीम है। तो मिलते हैं फिर से। जय हिंद जय भारत।